देश में जब कोरोना वायरस के संक्रमण की बातें शुरू हुई थी, तब जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है उनकी बात चलती थी, तो उनमें मध्य प्रदेश का नाम उस तरह से शामिल नहीं था। माना ये जा रहा था कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ पर कि इसका खतरा अपेक्षाकृत कम होगा, और इसका कारण भी था क्योंकि मध्य प्रदेश में ना तो उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा उद्योग हैं जहाँ पर कि बाहर से आने वाले लोग काम करते हों, मतलब औद्योगिक गतिविधियाँ उतनी ज़्यादा नहीं हैं। इसी के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश से विदेश जाने वाले या वहाँ से आने वालों की तादाद भी बहुत कम है अब तुलनात्मक रूप से। इसलिए माना जा रहा था कि अगर कोरोना संक्रमण का फैला हुआ तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में होगा जहाँ पर कि इसका असर कम देखने को मिलेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हुआ है उसने सभी को न सिर्फ चौंका दिया है, हैरान भी किया है। और हैरानी इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश एक तरीके से इस मामले में छलांग लगाता हुआ देश के उन टॉप 5 राज्यों में पहुंच गया है जहां पर कि इस संक्रमण से प्रभावित होने वालों की संख्या भी है और मरने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। राज्य के 2 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और ये अब इसको क्या कहें, ये कौन सा एक अजीब किस्म का संयोग है कि ये वो 2 जिले हैं, इंदौर और भोपाल। इनमें से इंदौर प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है और भोपाल तो प्रदेश की राजधानी है, और ये वो दोनों जिले हैं जिन्होंने कि लंबे समय तक 3 बार करीब करीब जो है 3-4 बार देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान पाया है। तो देश में सफाई के मामले में सबसे अव्वल आने वाले जो जिले हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनी। निश्चित ही ये प्रदेश के लिए और न सिर्फ राजनीतिक जो सत्ता है उसके लिए भी, प्रशासनिक सत्ता है उसके लिए भी, और मध्य प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है उसके लिए भी चिंता का विषय है। और अगर हम देखें तो इसका 2 तरीके से असर हुआ है। इंदौर में जहाँ कोरोना संक्रमण के फैलाव का, उसके प्रसार का और उसके और ज़्यादा गंभीर हो जाने का कारण सामाजिक तौर पर हुई गतिविधियाँ रही हैं, वहीं भोपाल में इसका कारण प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही को माना जा सकता है। मध्य प्रदेश ही उन गिने चुने राज्यों में या शायद एकमात्र राज्यों में है जहाँ पर कि स्वास्थ्य विभाग के इतने सारे अधिकारी एक साथ कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, और ये और कुछ नहीं, विशुद्ध रूप से एक बड़ी चूक है जो कि प्रशासनिक स्तर पर हुई है। जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कोरोना संक्रमण को संभालने की, जो लोग दूसरों को बता रहे थे कि उन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वहीं पर इतनी बड़ी चूक हुई और उसके कारण आज स्वास्थ्य विभाग जो टोटल भोपाल में संख्या है कोरोना संक्रमण से पीड़ितों की, उसमें 60% से अधिक लोग अकेले स्वास्थ्य विभाग के हैं, उसके बाद पुलिस है, उसके बाद कुछ अन्य लोग हैं। तो और इंदौर का जहाँ तक सवाल है, इंदौर में जिस तरह से डॉक्टरों पर, मेडिकल टीम पर हमले हुए, जिस तरीके से उनको मरीजों की पहचान करने से रोका गया, इलाज करने से रोका गया, इलाज के बाद जो जिस तरह से विरोध हुआ उसने इस मामले को बढ़ाया ही है। और ये ठीक है कि प्रशासन ने अपने स्तर पर, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब तक ये जो ग्राफ है, जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये पहले तो थमता नहीं और थमने के बाद जब तक उसमें कमी आना शुरू नहीं होती तब तक ये चिंता बनी रहेगी। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रशासनिक स्तर पर भी
और सामाजिक स्तर पर भी, दोनों स्तरों पर इस तरीके के प्रयास किए जाएं कि आरंभिक समय में इंदौर और भोपाल में जो लापरवाहियां हुई हैं अब वो न हो, आपराधिक तत्वों को या समाज विरोधी तत्वों को कोई मौका न मिले, उसी तरह प्रशासन के अंदरूनी ढांचे में भी ऐसी लापरवाही न हो कि खुद स्वास्थ्य विभाग के इतने सारे लोग ही कोरोना से संक्रमित हो जाएं। तो मध्य प्रदेश को अब आने वाले दिनों में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है अगर हमको पूरे प्रदेश को बचाए रखना है, और बचाए रखने के साथ ही साथ प्रदेश का वो मान रखना है जो इंदौर और भोपाल ने स्वच्छता के मामले में अव्वल आकर इस पूरे प्रदेश को दिलाया था। हमको उस मान की भी रक्षा करनी है, उस सम्मान को भी लौटाना है, प्रदेशवासियों के जीवन की भी रक्षा करनी है और इस महामारी से लड़ना है। इसमें सबका सहयोग जरूरी है, समाज का भी, प्रशासन का भी, राजनीतिक तंत्र का भी, हर एक व्यक्ति का। और उम्मीद की जानी चाहिए कि हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा और उससे जो गलतियां हुई है उनसे सबक लेकर आने वाले दिनों में उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।